छठवीं कक्षा में हम संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3.5 प्रश्नावली तक विभाज्यता के नियम कंप्लीट हो गए। आज हम 3.6 प्रश्नावली में पढ़ेंगे। 3.6 प्रश्नावली हमारी मैथ से है हमारे पास SCF। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे 3.6 प्रश्नावली है। मैथ से का पूरा नाम होगा महत्तम समापवर्ती। लेस से पूरा नाम हो गया लघुतम समापवर्ती। 3.6 में सबसे पहले हम मैथ से पढ़ेंगे। पहला सवाल इसमें निम्नलिखित संख्याओं के मैथ से ज्ञात कीजिए। आपको केवल मैथ से ज्ञात करना है, जिसे इसमें ए दिया है 18 और 48। तो आप आराम से यहाँ 18 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हल लगा के 2 का भाग जाएगा 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग दिया 3 गुणित 1 बार। इस तरह से 18 की आप लोग यहाँ लिख दोगे 18 बराबर 2 × 3 × 3। उसके बाद में इसी तरह से 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12 आ गया, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3, 3 का भाग 1। और इस 48 के अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3। उसके बाद में यदि आपसे मैथ से पूछे, देखो यहीं पे आप लेस से भी समझ लें और मैथ से भी समझ लें, पहले हम मैथ से समझ। यदि आपसे मैथ से पूछे तो मैथ से इनमें देखना है कॉमन कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास 2 मिल गया है तो आप लिखोगे 2। उसके बाद दूसरा 2 नहीं है इसमें, दूसरा 2 नहीं है। उसके बाद में तीसरे को देखते हैं तो 3 दोनों में ये कॉमन दिख रहा है तो 2 × 3 = 6। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ गया। अब याद रहे, ये भी रखना है, ये जो 6 है ये आपका मैथ से है, इसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाना जरूरी है। तो 6 का भाग 6 × 18, 6 × 8 = 48। इस तरह से ये इसका 6। तो मैसे का यहाँ पे अर्थ होता है वह सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई दोनों या तीनों संख्याओं में पूरा जाए। तो ये सबसे बड़ी संख्या 6 ही है, बाकी इसमें भाग नहीं जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 6 है, 6 का भाग दोनों में। यदि यहाँ पे लैसे और पूछ लेता है हमसे तो लैसे में क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आप लोगों को इसमें से जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो लिखें। तो एक तो 2 दिया और 1 दिया गुणा। अब ध्यान देना विशेष रूप से 2 और 3 कॉमन था, दोनों में था, ये लिख दिया। उसके बाद में बच गया उनमें, देखो 2 बच गया तो 2 यहाँ अधिकतम कितनी बार आ रहे हैं, यहाँ पे 2 देखें यहाँ पे कितनी बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2, 1, 2, 3 बच गए। 2 की घात 3 है, 2 × 2 × 2 ले लो। उसके बाद 3 हमारे पास ये, इनको हम गुणा कर लेंगे फिर। तो 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 3 = 48। 48 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24, 4 × 3 = 144 हो जाएगा। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो दूसरा तरीका इससे भी इजी है। तो दूसरा तरीका देखिए, और आपको इसी तरीके से करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ दोबारा, लेस से और मैथ से। इसमें क्या किया जाएगा, दोनों संख्याएं एक साथ उतार लेंगे। 3 है तो तीनों संख्याएं एक साथ उतारेंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है सबसे छोटी संख्या, जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दोनों संख्याओं में एक साथ भाग जाना चाहिए। जैसे 2 का भाग दे रहे हो 18 में जा रहा है तो इसमें भी जाना चाहिए, तभी भाग देना है वरना नहीं देना है।
मैसे के लिए जरूरी होता है, जबकि लैसे के लिए आवश्यक नहीं होता है। लैसे में एक संख्या में भी यदि भाग जा रहा है तो आप दे दो। तो यहाँ पे दो का भाग दोनों में जा रहे हैं, दो नौ अठारह और ये चौबीस। अब हम दो का भाग देंगे तो नौ में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं देना है, मैसे के लिए खास जरूरी। तीन का भाग दोनों में जा रहा है तो तीन तीन नौ तीन आठ चौबीस। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास हो गई सह भाज्य संख्या हो गई है, इसका गुणनखंड सार्वभाजक गुणनखंड एक आ रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ये सह भाज्य संख्या होगी। अब यहाँ से हम लोग इसका मैसे निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, तीन दूनी छः। इसी तरह से मान लो लैस से निकालें तो वही अठारह लिखे और अड़तालीस लिखे और इसकी, इसमें दो का जा रहा है नौ बार चौबीस, दो का और जा रहा है, देखो इसमें नहीं जा रहा लेकिन इसमें तो जा रहा है, तो लैसे में आप एक संख्या में भी यदि भाग जा रहा है तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नौ ऐसा कैसा लिख दो, यहाँ बारह, पुनः दो का देंगे नौ ऐसा का ऐसा छः, पुनः दो का देंगे नौ ऐसा का ऐसा तीन, अब तीन का जाएगा तो तीन तीन और दोनों में जा रहे हैं और तीन, इसलिए लेस है, एक दो तीन चार हो गए, तो दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन और इनको गुणा कर देंगे तो वही हमारे पास एक सौ चौवालीस, तीन तीन नौ नौ दून अठारह अठारह दून छत्तीस छत्तीस बहत्तर बहत्तर हो गए एक सौ चौवालीस। इस तरह से ये लेस, तो आपको इसी तरीके से करना है। तो पहला सवाल आपको ये उतारना है इतना, ये लेस है अभी आगे आएगा ये बाद में देखेंगे। उसके बाद में इसमें एक सवाल और देखते हैं हम, मैसे का ही, जैसे हमारे पास तीन संख्याओं का दे रखा है सत्तर एक सौ पांच और एक सौ पिचहत्तर, यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारे पास जी का, बाकी जो बच रहे हैं वो मैं लिखा दूंगा आपको, सत्तर एक सौ पांच एक सौ पिचहत्तर, इन तीनों संख्याओं का मैसे निकालना है। तो हल लगाते हैं, सत्तर लिख देंगे एक सौ पांच लिख देंगे और एक सौ पिचहत्तर लिख देंगे, इनमें से आपको विभाज्यता के नियम आपको लिखा दिए गए हैं, उनकी सहायता से आप फटाफट इनका मान निकाल सकते हो किस संख्या का। देखो मैंने कहा था इकाई का अंक यदि पाँच या जीरो हो तो पाँच का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यहाँ पे पाँच का पूरा पूरा चला जाएगा, पाँच का भाग पहले सत्तर में, देखो तीनों संख्याओं में जाना जरूरी है और तीनों संख्याओं में पाँच का जाएगा क्योंकि इकाई अंक जीरो है, इकाई अंक पाँच है, इकाई अंक पाँच है तो पाँच का जा रहा है, पाँच का भाग देंगे तो ये आ गया हमारे पास चौदह। उसके बाद में पाँच का भाग इसमें देंगे तो इक्कीस, पाँच का भाग इसमें देंगे तो पैंतीस, इस तरह से ये पाँच का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उसके बाद में सात का भी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तीनों में, सात दूनी चौदह, सात तीन इक्कीस, सात पंचे पैंतीस, अब आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है तो यहाँ पे इसका मैसे लिखोगे आप डायरेक्ट मैसे, हमारे पास दो गुणन खंड है इसके पाँच गुणा सात बराबर पैंतीस, तो ये सबसे बड़ी संख्या पैंतीस है जिसका पूरा पूरा भाग इन तीनों संख्याओं में जाता है। इसके बाकी बचे हुए सवाल आप लोग नोट कर लें, इनको आप इसी टाइप से घर पे कर लोगे आराम से। जैसे सबसे पहले इसमें मैंने ए और जी बता दिया है, बाकी बचे हुए आप नोट कर लो, बी दे रखा है इसमें तीस और बयालीस, सी दे रखा है इसमें अठारह और साठ, डी दे रखा है सत्ताईस तिरसठ, ई छत्तीस चौरासी, एफ चौंतीस एक सौ दो, जी मैंने बता दिया है एच इक्यानवे एक सौ बारह उनपचास, आई अठारह चौवन इक्यासी और जे अंतिम है बारह पैंतालीस और पिचहत्तर। इस तरह से ये पहला सवाल अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है जिसमें सभी संख्याओं के आपको मैसे क्या। सवाल नंबर दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित का मैसे क्या है,
होती है, ध्यान से समझें। इसके कुछ उदाहरण देंगे हम। दूसरा सवाल देखिए, निम्न का में से क्या है, इसमें ए दे रखा है, दो क्रमागत संख्याएं यहां पे हल लगा के करते हैं। दो क्रमागत संख्या कोई सी भी ले लो आप, जैसे एक दो या दो तीन सात आठ दस ग्यारह कोई सी भी, जैसे मैं छह और सात ले रहा हूं, इसका मैसेज हम निकालेंगे तो ऐसे हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या इसमें केवल एक ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे दो का भाग इसमें देंगे तो लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, छः का भाग इसमें जा रहा है तो इसमें नहीं जा रहा है, तो इसलिए वो संख्या एक होगी छः और सात, तो इसका मैसेज क्या आ गया, एक। इसी तरह से आप कई और भी उदाहरण ले सकते हो। तो हमेशा इसमें क्या होता है, इसलिए दो क्रमांकित संख्याओं का मैसेज हमेशा या सदैव एक आता है। यो। इसी तरह से दो क्रमागत समसंख्याएं आ गई है, दूसरा है दो क्रमागत समसंख्या। इसमें देखिए यहां पे हल, दो कोई सी भी समसंख्या ले लो आप, दस और बारह ले लो, आठ और दस ले लो, जैसे मैंने आठ और दस ले लिया, इसका मैसेज निकालेंगे तो दो का भाग दोनों में जा रहे हैं, दो चौगा आठ, दो पंचे दस, अब नहीं जाएगा आगे, तो इसका मैसेज क्या आया हमारे पास, केवल दो। यहाँ पे वो लाइन लिखनी है, इसलिए दो क्रमागत समसंख्याओं का मैसेज सदैव दो आता है। इसी तरह से हमारे पास अंतिम है इसमें दो क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या आपको पता ही है, जैसे एक लिया है तो एक के तुरंत बाद में कौन सी क्रम से आएगी, तीन, तीन ले लिया तो पांच आएगी, इस तरह से तो हल लगा के आपको लिखना है, जैसे तीन और पांच ले लो, तीन और पांच का हम मैसेज निकालेंगे तो देखो इसमें तीन का भाग इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, तो एक का ही भाग जाएगा और ऐसा कैसा, तो इनका मैसेज यहाँ पे लिख देना बराबर एक, वो यहाँ पे आप लोग खत लिख दोगे, इसका उत्तर लिख दोगे, इसलिए दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैसेज सदैव एक आता। इस तरह से ये तीनों बिंदु याद रखे भैया, सबसे पहला था दो क्रमागत संख्या, केवल दो क्रमागत संख्या था तो उनका मैसेज हमेशा एक आता है, इसी तरह से फिर आ जाता है दो क्रमागत समसंख्याओं का मैसेज पूछ ली तो दो क्रमागत समसंख्याओं का मैसेज हमेशा दो आता है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैसेज हमेशा एक आता है। इस तरह से ये अपनी प्रणाली यहाँ पे 3.6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में एक और बच गया सवाल इसमें, अभाज्य गुणनखंड, देखो तीसरा सवाल हो गया, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं चार और पंद्रह, सह अभाज्य संख्याएं आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा सुन लो, जिन संख्याओं के गुणनखंड सार्वभाज्य गुणनखंड केवल एक आए उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, तो दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हम
मैं से हमेशा उन दोनों संख्याओं को गुणा करके भी प्राप्त किया जा सकता। इसमें यही सवाल दिया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो से अभाज्य संख्याओं 4 और 15, जैसे 4 और 15 आपको पता है, 4 और 15 दोनों से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है। और इनका यदि मैथ से पूछे ना, मैथ से तो आएगा इसमें 1, और चूंकि इन गुणनखंड में कोई अभाज्य सार्वय गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मैथ से 0 है। क्या ये उत्तर सही है? शून्य तो कभी हो ही नहीं सकता मैथ से, शून्य। अगला कह रहा है क्या इनका मैथ से, जैसे इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इनका सार्वय गुणनखंड में कॉमन तो 1 आएगा, फिर तो 1 है तो शून्य तो नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि इसलिए 4 और 15 का मैथ से 0 है, क्या ये उत्तर सही है? नहीं, ये उत्तर गलत है, शून्य कभी भी मैथ से नहीं आएगा। यदि नहीं तो सही मैथ से क्या है? सही मैथ से फिर 1 होगा। तो ये सवाल आप लोग खुद कर सकते हो। तीसरा सवाल केवल इसका उत्तर देना है, वो कह रहा है कि इसका मैथ से 0 आएगा, तो आप लोगों इसमें जवाब देना है 0 नहीं आएगा। हमेशा याद रखें 0 कभी भी मैथ से नहीं आएगा, तो उसका सही उत्तर होगा फिर 1। इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है, बाकी कल पढ़ते हैं।